إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رواه الترمذي. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और आपके आले असहाब पर और आपके मुतबईन पर। फ़ज़ाइल सहाबा कराम के उनवान से मुसलसल आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आज अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र जमील होगा और उनकी हयात तैयबा के कुछ मुख्तसर हालात बयान होंगे इंशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत इस्लामी तारीख में बहुत नुमाया शख्सियत है। उनके इस्लाम कबूल करने से लेकर उनकी वफ़ात तक बेशुमार खिदमात हैं इस्लाम के ताल्लुक से, और बहैसियत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं वो भी हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इब्तदाई दौर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम के घर में बैठकर, जिसे दारे अरकम कहा जाता है, मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का काम अंजाम दे रहे थे। अभी ऐलानिया तौर पर बाहर नहीं निकले थे, हरम बैतुल्लाह में मुसलमानों को नमाज पढ़ने और तवाफ करने की इजाज़त नहीं थी और जो चंद लोग मुसलमान हुए थे उन पर बेपनाह मजालिम ढाए जा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जबकि वो मुसलमान नहीं हुए थे मिजाज के एतबार से बड़े सख्त थे। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद भी वो सख्ती उनके यहाँ मौजूद रही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उस सख्ती को नरमी में तब्दील किया। लेकिन फिर भी दूसरे लोगों से ज़्यादा उनके यहाँ सख्ती थी, जुरत थी, बहादुरी थी, शुजात थी और इस्लाम की दावत को ऐलानिया तौर पर पेश करने का एक जज्बा और वलवला था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक लौंडी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब उन्हें पता चला तो उसको खूब पीटा और उसको मार लगाई।
एक मरतबा इसी तरह उसको मार रहे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ तो उन्होंने उस लौंडी को खरीद कर आज़ाद कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु की इस हवाले से बड़ी खिदमात हैं। हजरत बिलाल को भी उन्होंने खरीद कर आज़ाद किया था। हजरत उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हु का जो कबीला था, खानदान था, उसका नाम है बनू आदी और ये भी कुरैश ही का एक कबीला था। उस कबीले के कुछ लोग मुसलमान हुए और हबशा की तरफ हिजरत करने लगे। जब उनको मालूम हुआ कि हमारे कबीले के भी कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं और मक्का छोड़कर हबशा की तरफ जा रहे हैं तो उनके दिल में उसका बड़ा रंजो मलाल था। इसी तरह मुसलमानों के हालात को भी देखकर और मुशरिकीन की तरफ से और ख़ुद उनकी तरफ से भी जो सख्तियां हो रही थीं उसमें भी उनके दिल में कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमानों की मोहब्बत को पैदा किया। हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम सुन रहे थे उस वक्त में जबकि आप नमाज पढ़ रहे थे। बैतुल्लाह के एक गोशे में आकर खामोशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना शुरू की और नमाज में सूरह हाक्का की तिलावत की। ये सूरत 29वें पारे में है, घर जाकर इसका तर्जुमा पढ़िएगा। बहुत अहम सूरत है कुरान मजीद की सूरतों में, सूरतुल हाक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की तिलावत फरमा रहे हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं कहीं बैठ कर सुन रहे हैं और उनके दिल में ये बात आती है कि ये तो बहुत ही अजीब और गरीब कलाम है और ये शायरी है और कुछ नहीं है। जैसे ही उनके दिल में ये गुमान पैदा हुआ कि ये तो शायरी है, सूरतुल हाक्का में छोटी छोटी आयात हैं और सुनने वाला यही समझेगा कि ये शेर व शार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी सूरत में इस बात की सख्ती से तरबीत की है कि ये कुरान करीम जो है शायरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते जब उस आयत पर आए, इन्नहु लकौल रसूलिन करीम वमा हुवा बिकौल शायर कलीलम मा तुमिनून, कि ये कुरान करीम जो है अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है और ये शायरी नहीं है। वमा हुआ बिशायर, ये शायरी नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। फिर उनके जहन में ये बात फौरन आई कि ये काहिन है, तो अगली आयत आए, वला बिकौलि काहिन कलीलम मा तज़क्करून, ये काहिनों का कौल नहीं है, ये कुरान करीम काहिनों का कौल नहीं है, तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। वलव तकव्वला अलैना बादल अकावील लाखदना मिन्हु बिल यमीन थुम्मा लकताना मिन्हु वतील फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन वइन्नहु लतज़किरतुन लिल्मुत्तकीन। ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई और आखिर सूरत तक पढ़ा। इन आयतों में क्या बयान किया गया है? फरमाया वलव तकव्वला अलैना बाद अकाबील, अगर ये रसूल, ये नबी अपनी तरफ से इसमें कोई बात शामिल कर देंगे तो लाखदना मिनहु बिल यमीन, हम दाहिने हाथ से इनको पकड़ लेंगे।
لاخذنا منه بالوتين لقطعنا منه الوتين, اور ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے اور تم میں سے کوئی ہمت نہیں کر سکے گا کہ وہ ان کو ہم سے چھڑا لے. اتنی سخت آیات آئی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا اللہ کے کلام میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیا ہے, تو جان لو کہ ہم ان کی شہرت کاٹ دیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے اور تم میں سے کوئی ان کو ہم سے چھوڑا نہیں پائے گا. یہ آیات سننے کے بعد ان کا دل بڑا نرم ہوا اور اسلام کی طرف مائل ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں تھوڑا سمجھدار ہو گیا تھا اور ابا کی تمام حرکات و سکنات پہ میری نظر تھی. جہاں وہ جاتے تھے, جہاں بیٹھتے تھے, جہاں گفتگو کرتے تھے, سب کچھ میں دیکھتا رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے بہت سے واقعات مشہور ہیں. آپ حضرات نے بھی ایک واقعہ سنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا, اور اس ارادے سے نکلے. راستے میں ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے بہن بھائی مسلمان ہو گئے ہیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن سندن کمزور ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو اس طرح کے جو واقعات مورخین نے بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی واقعہ بھی سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت تک 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے, میں 40واں مسلمان تھا. صرف 39 لوگوں کی چھوٹی سی جماعت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ان کی قلبی اصلاح فرماتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے, اور انہی مٹھی بھر لوگوں پر مشرکین مکہ کے مظالم ہوتے تھے, ستائے جاتے تھے, پریشان کیے جاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 40واں مسلمان ہوں, اور ان سے چند ہی روز پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ عنہما. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا اعلان نہیں کیا, یعنی از خود اعلان نہیں کیا. اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر اس راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ پوچھا کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جو مکے میں باتیں پھیلاتا پھرتا ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی ہے جس کا نام جمیل ہے, جمیل بن معمر جمحی, یہ اس آدمی کا نام ہے. آپ اس کو جا کر کوئی بات کہہ دیں تو سارے مکے میں بات پہنچ جائے, اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا جمیل میں نے اسلام قبول کر لیا. اتنا سننا تھا کہ وہ شخص اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چلا اور حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے حرم بیت اللہ میں پہنچا. وہاں مختلف ٹولیوں میں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کر اعلان کیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے, خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جھوٹ بول رہا ہے, میں بے دین نہیں ہوا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس کے بعد تو سارے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. عتبہ بن ربیعہ کو انہوں نے پکڑ کر پٹخا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے. جب یہ صورتحال مکے والوں نے دیکھی تو سب ہٹ گئے اور اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئے.
حرم میں اس وقت مشرکین کے مختلف حلقے ہوتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، جن جن مجالس میں اور حلقوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ مکے والے پریشان ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک بہت طاقتور آدمی ہم میں سے مسلمان ہوا، جس کا نام حمزہ ہے، اور دوسرا یہ طاقتور انسان عمر بن خطاب ہے جو مسلمان ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم موت تک حق پر قائم نہیں رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ہم حق پر ہیں اور موت تک حق پر قائم رہیں گے۔ پھر کہا، پھر یہ خاموشی کے ساتھ کام کیوں ہو رہا ہے؟ آپ باہر نکلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز پر غور فرمایا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب دار اکرم سے باہر نکلا جائے گا اور مکے میں جا کر کھلے طور پر دعوت کا کام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 40 ساتھیوں کی دو قطاریں بنائیں، ایک قطار کے آگے حضرت حمزہ تھے اور دوسری کے آگے حضرت عمر تھے، اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نکل کر حرم میں پہنچے۔ مکے کے مشرکین دیکھ کر گھبرا گئے اور ان میں اتنی جرات و ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو روک دیتے۔ سب لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر ولقد رأيتنا ما وما نستطيع ان نطوف بالبيت ونصلي حتى اسلم عمر فلما اسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا۔ فرماتے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو ہم طاقتور بن گئے۔ ان سے پہلے ہم نہ تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے اور نہ ہی حرم میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ جب عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے لڑائی کی اور پھر ہم نے مسجد حرام میں نماز پڑھنا شروع کر دی اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، سب کو بیان کرنا خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں ہے۔ اما عائشہ کی روایت فرماتی ہیں، ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقول قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فعمر فإن عمر بن الخطاب منہم رواہ مسلم۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھی، یعنی وہ اس لائق تھے کہ ان سے بات کی جائے اور وہ بھی بات کرتے تھے، ان میں سے کوئی میری امت میں اگر ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے محدث، محدث محدث کہتے ہیں اس آدمی کو جس میں گفتگو کرنے کی سمجھ ہو اور گفتگو کرنے کا سلیقہ ہو۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے محدث کی شرح میں کہ وہ شخص جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہو، وہ وحی نہیں ہوتی ہے، وحی تو انبیاء پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے بعض امور میں الہام ہو جاتا ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے، آدمی اس کام کو جب ہوتا ہے تو چونکتا ہے کہ ہاں میرے دل میں تو یہ بات تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ عین ممکنات میں سے ہے
और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आदमी निहायत मुत्तकी और तक्वा शियार होता है जिसको अल्लाह ताला इस सिफत से नवाजता है। इसी तरह सही बुखारी में 3683 नंबर पर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, यमन खत्ताब वल्लवी नफ्सी बियदी मा लकीक शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलद फज्जन गैर फज्जिक, रवाहुल बुखारी। ए उमर बिन खत्ताब, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कभी शैतान तुमको किसी रास्ते में चलता हुआ देख ले तो वो उसे छोड़कर दूसरे रास्ते को अख्तियार कर लेगा। यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये फजीलत है कि वो जिस रास्ते पर चलते थे उस रास्ते पर शैतान को चलने की हिम्मत और ताकत नहीं होती थी, वो रास्ता बदल लेता था। हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिक्र किया, खुद फरमाते हैं बुखारी की रिवायत है 6632 नंबर पर, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहु आखिदुन बियदी उमर बिन खत्ताब फकाल लहु उमर या रसूलल्लाह लअंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك, فقال له عمر فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر। बहुत अहम हदीस है ये, और इससे कई खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और मोहब्बत का मसला वाज़ेह होता है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने इसके अल्लाह के रसूल मैं सारी दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ अलावा अपनी ज़ात के। बहुत गौर से सुनने की बात है, मैं तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं सिवाय अपनी जान के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बात नहीं बनी है, और कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फौरन फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल आन या उमर, हाँ अब बात बनी है। ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि हम सब का ईमान और इस्लाम उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हम अपनी जात से और अपनी तमाम महबूब तरीन चीज़ों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपने माल से, अपनी जायदाद से, अपने कारोबार से, अपने रुपए पैसे से और अपनी जात से ज़्यादा जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो हमारा ईमान और इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। और इस मोहब्बत की दलील क्या है? मैं कहूं कि मुझे अपनी जात से और तमाम दुनिया की चीजों से जो मेरे पास हैं उनसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इसकी दलील क्या है? मोहब्बत रसूल की दलील है इताअत रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, आपकी इताअत। दुनिया के तमाम उमूर में, अकायद में, इबादात में, मामलात में और जिंदगी के हर गोशे में जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी फरमाबरदारी हम नहीं करेंगे तो मोहब्बत का दावा बेदलील है। इसी तरह सही बुखारी में
एक और हदीस है 3681 नंबर पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैना अना नाइमुन शरबतु यानी अल्लबन हत्ता अंदुरा इलर्वी यजरी फी जुफुरी औ फी अज़फारी थुम्मा नावलतु उमर फ़क़ालू फ़मा अव्वलतहू क़ाल अल-इल्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मुझे दूध पेश किया गया और मैंने दूध को सैर होकर पिया, लगता था कि नाखूनों तक आ गया। उसके बाद जो दूध बचा तो उमर को मैंने दे दिया। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल इसकी ताबीर क्या है, क्या ताबीर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-इल्म, इसकी ताबीर है इल्म। दूध को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से ताबीर दिया कि ख्वाब में अगर किसी को दूध पीना मिलता है या दूध किसी को देता है तो उससे मुराद इल्म है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये फजीलत इस हदीस से साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो दूध दिया, जो आपने पीकर छोड़ा हुआ था, इसका वाज़े मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इल्म उनको पहुंचा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म आप उन तक पहुंचाया वो है दीन का इल्म, इस्लाम का इल्म। और इसी तरह शुजात का इल्म, क़यादत का इल्म, तमाम उलूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिए। इसी तरह एक और हदीस है मुसनद अहमद में और बहुत प्यारी हदीस है और इसमें भी हमारे लिए बड़ा सबक है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए और उनके हाथ में तौरात का एक वरक था। आप जानते हैं तौरात क्या है? तौरात वो किताब है जो अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, जो आज यहूदियों के पास है, जिसमें तहरीफ कर दी है यहूदियों ने, तब्दीलियां कर दी। तौरात हजरत मूसा पर नाज़िल हुई। हमें ये ईमान लाना जरूरी है कि तौरात अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, ये ईमान रखना मुसलमान होने के लिए जरूरी है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में तौरात का एक वरक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनको और उसके बाद फरमाया, अमुतहव्विकून फीहा इब्न अल खत्ताब वल्लज़ी नफ्सु बियदिही लक़द जिअ्तुकुम बिहा बैदा नक़िया لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وفي روايه ان لو كان موسى حيا هم اتبعوه وتركتموني لبذلتم। اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے तुम्हारी दिलचस्पी तौरात में है तो क्या तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो? और कसम है अल्लाह ताला की, अगर मूसा भी आज जिंदा होते तो वो मेरी इत्तबा करते। अल्लाह अकबर। मूसा अल्लाह के नबी, जो जिनका जिक्र कुरान करीम में सबसे ज्यादा है अंबिया में, वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने हजरत मूसा से बराह रास्त कलाम फरमाया था, इतने उलुल अज़्म पैगंबर, उनके बारे में फरमाते हैं, लौ काना मूसा हय्यन मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा जिंदा होते तो वो मेरी इत्तबा करते, मेरी पैरवी करते। और एक रिवायत में है, अन्न लौ काना मूसा हय्यन सुम्मत तबऊहु व तरक्तुमूनी, अगर आज मूसा जिंदा होते और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करते, लबदल तुम गुमराह हो जाते। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपकी सुन्नत, आपकी अहादीस सुनने के बाद
अगर कोई आदमी ये कहता है कि फला की बात और फला की बात और फला का फतवा और फला की राय, तो क्या उसकी गुमराही में कोई शक है? ऐसा शख्स गुमराह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाज़े हो जाने के बाद फिर किसी और जानिब तवज्जो देता है, किसी और की राय को की तरफ देखता है या किसी के फतवे की तरफ देखता है कि फला फलामी तो बहुत बड़े हैं, फलामी तो बहुत पहुंचे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये ईमान के खिलाफ है। ईमान का तकाजा क्या है? ईमान का तकाजा यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, आपकी सुन्नत हम पर वाज़े हो जाए, तो हम उसकी पैरवी करें, उसके मुताबिक अमल करें और फिर किसी की राय और किसी के फतवे के पीछे न लगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। एक और हदीस है इस सिलसिले में, जिसे इंशाल्लाह आइंदा जुमे बयान करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं हज़रत उमर की खिलाफत के ताल्लुक से भी। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين